कर रही हो यार? चंदू, मुझे ना कहीं घूमने का मन कर रहा है। तो घूम जाओ। कैसे? ऐसे। अरे यार, मैं ऐसे घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जाके घूमने की बात कर रहा हूँ। तो बाहर घूम आओ ना कॉलोनी में, कौन सा तुम्हें पुलिस पकड़ रही है। और वैसे भी लोग पागल समझेंगे तो ठीक ही है ना, वो तो वैसे भी समझते ही है। अरे चंदू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वेकेशन पर घूमने जाने की बात कर रहा हूँ। वैसे भी मम्मी जी तो गई है एक हफ्ते के लिए मेहरौली घूमने, तब तक तो मुझे इसे झेलना पड़ेगा। अरे कुछ बोलो ना। कुछ? देखो चंदू, तुम मजाक कर रही हो, मैं सीरियस हूँ। सीरियस है तो हॉस्पिटल जाओ ना, तुम्हें बाहर घुमाने के पैसे नहीं है मेरे पास। इतने पैसे आते जाते कहाँ हैं? क्या? क्या बात है चंडोला भाई, कहीं वेटर की नौकरी मिल गई क्या? कहाँ से आ रहे हो? मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिंगापुर। ओ अच्छा अच्छा, मतलब आप सिंगापुर जाके वेटर बनेंगे? अरे नहीं बाबा, मैं घूमने जा रहा हूँ सिंगापुर। अब जो भी मेरा कोरियर और पार्सल आएगा वो आपके घर आएगा, और ख्याल रखना उसका। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ठहरे एक मामूली इंश्योरेंस एजेंट, और सैलरी के पैसे के तो आप और आपकी बीवी खाना खा जाते, तो ये सिंगापुर जाने के? अरे वो राज की बात है। हाँ देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी फ्लाइट अटैक हो रहा, ठीक है मैं चलता हूँ। अरे और सुनो, फ्लाइट के लिए चलते नहीं उड़ते। चंदू, ये चंडोला ना आजकल बहुत उड़ रहा है। इसको चलाना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या यार चंदू, तुम्हारे पास शिमला तक जाने के पैसे नहीं? आखिर तुम ग्रोसरी लाना, साफ सफाई करना, बच्चों का ख्याल रखना, हम सबके लिए खाना बनाना, नौकरी करना, उसके अलावा करती क्या हो? बच्चा क्या? देखो तुम्हें एक्स्ट्रा कमाई के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। अच्छा, और मैं बताऊँ क्या क्या कर सकती हूँ? डंडा कहाँ है मेरा? अरे नहीं नहीं, डंडा मंडा मतलब, मैं तो ये कह रहा हूँ चंदू कि एक्स्ट्रा कमाई के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये बात। तो तुम मेहनत करके क्यों नहीं कमाते नंदिनी? अरे यार फिर से मेहनत का नाम ले लिया, तुम्हें पता मुझे मेहनत के नाम से एलर्जी है यार। अरे चंदू, क्या कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, एक्स्ट्रा कमाई के लिए? हाँ, म्यूजियम खोल लेते ना, देखो टिकट लगाएंगे, पैसे कमाएंगे। हा? और म्यूजियम में किसको रखेंगे? मम्मी जी को। अगर नासा वालों ने देख लिया ना तो रिसर्च का माल समझ के ले जाएंगे, फिर समझते रहना। तो फिर और क्या कर सकते हैं? भाई भाई, तुम्हारी शक्ल देख के ना एक ही काम याद आता है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। ये क्या है पप्पू? भीख मांगना शुरू कर दो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे। कोई आया भाई? बच गया तू। यस, ये चंडोला जी का कुरियर आया है। तो मैं क्या करूं, नाचूं? नहीं, आप कुछ मत करो, आपको जो करना है करो, पर इसे पकड़ो और मुझे छोड़ो। ओए झिंगुल, पार्सल दे और निकल यहाँ से। हट, पकड़े। पता नहीं यार कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दे छोड़ दे, ना भी लियो। यार ये अजीब बात है, चंडोला वहाँ सिंगापुर में घूम रहा है और हम यहाँ पर उसका पार्सल संभाल रहे हैं। हाँ यार, ये चंडोला इतना घूमता कैसे? ये पार्सल तो मेक्सिको का है। और कुरियर वाले ने तो कहा कि चंडोला का है। अरे यार मेक्सिको से आया है। इसका मतलब चंडोला मेक्सिको भी गया था? हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, इसको खोल के देखते हैं कि उस भिखारी के लिए किसी ने मेक्सिको से क्या भेज दिया। नहीं नहीं बब्बू, बुरी बात है, किसी और का पार्सल नहीं खोलना चाहिए, पर चंडोला कह के गया कि संभाल के रखना। अरे भोले भगत, थोड़ा सा खोल के देख लेते ना। हाँ यार, पता तो चले आखिर उसके इतने एक्सटर्नल अफेयर्स का राज क्या है। मैंने कहा ना, मैं ये पार्सल तुम दोनों को नहीं खोलने दूंगा। भाई तुम पार्सल देते हो या नहीं? नहीं 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 बब्बू, गुदगुद ही नहीं। यार भाई पार्सल दे दो। नहीं 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 दूंगा। अबे पप्पू क्या है यार, जल्दी खोलना। क्या हुआ पप्पू, इस पार्सल में ऐसा क्या है जो तेरा चेहरा पके पपीते की तरह पीला हो गया? अबे क्या है बे, क्या? पप्पू मुझे तो
पहले ही शक हो गया था चंडोला की शक्ल देखकर कि वो क्रिमिनल है। क्यों? अरे देख ना यार, मेक्सिको से कैसे गन मंगवाई उसने। अरे भाई ऐसा नहीं है, शक्ल से तो तुम भी गधे लगते हो, तुम्हारी पूछ है क्या? हाँ सही कहा यार। क्या बोला? कुछ नहीं भाई। ए, भाई सोचो ना क्या करें, अगर चंडोला को खुला हुआ पार्सल मिल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। अबे मुझे कुछ नहीं सोचना, जो भी सोचेगा तू सोचेगा, तूने खोला है पार्सल। तो भाई तुम मुझे रोक नहीं सकते थे पार्सल खोलने से? अबे तेरी तो। चंदू दीदी ये चंडोला इतना गड़बड़ निकलेगा मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये चंडोला नहीं आलू है और ये गड़बड़ नहीं, साफ सुथरा है देख। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं चंडोला भाई की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा। चंदू दीदी आपको पूरा यकीन है कि वो जो गन थी वो चंडोला की थी? हाँ उस पैकेट पर उसी का नाम लिखा था। चंदू दीदी वो आदमी ऐसे निकलेगा मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो तो दरवाजे से ही निकला था। कौन दरवाजे से निकला था? चंडोला। मैं ये कह रही हूँ कि वो गैंगस्टर निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ट्यूबलाइट। हाय एक मिनट, अगर उसे पता चल गया कि उसके पीछे से हमने वो पैकेट खोल के देखा तब क्या होगा? हाय हाय ये तो सही बोल रहे हो आप, पता है वो तो गैंगस्टर है, कुछ भी कर सकता, शूट आउट कर देगा हमें। हाय हाय, इससे पहले कि चंडोला को खुला हुआ पार्सल दिखे हम पुलिस को बता देते हैं। नहीं पप्पू, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं ही वो पार्सल पैक कर देता हूँ ना। अबे मंद बुद्धि, पुलिस को हम पार्सल पैक करने के लिए नहीं तो उस गन के बारे में बताने के लिए बुलाएंगे। नहीं पप्पू पुलिस को मत बुलाया, मैंने फिल्मों में देखा है कि अक्सर जब गैंगस्टर की खबर पुलिस को देते हैं और गैंगस्टर को पकड़वा दिया जाता है बाद में गैंगस्टर आकर उसका बदला लेता है, और मैं चंडोला के हाथों मरना नहीं चाहता यार। फिर तो मजा आएगा भाई, एक बार मर लो मेरे लिए। अबे मैं बाबू रुक जा यार। हाँ? तू प्लीज पुलिस को फोन मत कर, एक बार मुझे उस पार्सल को जोड़ने की कोशिश करने दे ताकि चंडोला को उसके बारे में कभी पता ना चले। हट यार, क्यों है वो तुम? ठीक है तुम इतना डर रहे हो तो नहीं करता मैं। थैंक यू यार, चल पैकिंग करते आ जा। एक हफ्ता हो गया कोई अता पता नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तो भाभी भाई की तरफ देख क्यों रही हो? अरे मुझे तो चंडोला से डर लग रहा है। अरे पर चंडोला तो यहाँ पर नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? हाय हाय नंदू भाई, पर अभी वो सिंगापुर से आ जाएगा आज, और उसके बाद क्या करेगा? क्यों वो सिंगापुर से कर नहीं आएगा क्या? अरे क्या यार तांग्या, सिंगापुर में भी तो बाथरूम है ना, तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नंदू भाई अबे भुलक्कर बोलो, तुम भूल गए चंडोला गैंगस्टर है, गैंगस्टर, उसके लिए गन आई है मेक्सिको से। याद आया भाई, भाई 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 कौन आया? लगता है आ गया। क्या क्या करेंगे? दरवाजा खोल। भाभी मैं क्यों जाऊँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, आप चले जाओ, वैसे भी आपकी तो बर्बादी हो चुकी है भाई से शादी करके। हाँ वो तो है। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, नंदू तुम जाओ। नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मेरी जान चली गई तो? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भाई देखो जान तो यहाँ भी जानी है वहाँ भी जानी है, यहाँ रोज रोज मरने से अच्छा एक बार वहाँ मर के देख लो ना। हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, ठीक है जाता हूँ। जाओ भाई। जाओ ना आप भी चले जाओ। अरे कैसे आप लोग? हम लोग ठीक है चंडोला भाई फिलहाल। अरे वो मेरा पार्सल आया था क्या? हाँ हमने बहुत संभाल के रखा हुआ है। हाँ और हम लोगों ने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर बंदू। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ हाँ आया था, मैं लेकर के आती हूँ। अरे वाह कितना संभाल के रखा आप लोगों ने। वो तो है। ओके टाटा बाय बाय। बाय 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 टाटा। अरे पहले से रख तो लूं। हाँ ओके। आप लोगों ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं नहीं हमने तो परसों से कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा हमने। मैं आप लोग यहाँ रुक सकता हूँ? क्या वो क्या है
कि मेरी बीवी चाबी का गुच्छा अंगूर का गुच्छा समझ के खा गई। अब जब तक चाबी नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे हैराना पड़ेगा। रखोगे ना? अरे रखोगे नहीं, रखोगे ना भाई, रखोगे ना। जरूर रही है आपकी, जब तक मर्जी है तब तक आप यहाँ पर रही है। हाँ हाँ, जब तक आपकी बीवी चाबी के गुच्छे के साथ साथ पूरा घर नहीं खा जाती आप तब तक यहाँ रह सकते हैं। चलो चलो, अच्छा है। एक कप चाय मिलेगी? हाँ, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। संजू जी, मैं भी चलूंगी ना आपकी मदद करने के लिए। और मैं बर्तन धो देता हूँ ना, मदद हो जाएगी। और मैं क्या करूंगा? अरे पप्पू भाई आओ, आप मेरे साथ बैठो। तुम्हारे साथ नहीं है। अरे नंदू भाई आप भी आओ, आजो आजो। नंदू तुम जाओ, हम दोनों ना चाय बना के लाते हैं। मैं पार्सल खोलता हूँ तब तक। खामोशियां बेचैनियां।